देखो, अब सपोज ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये आपके पास एक कंडक्टर है, क्योंकि रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो रैंडम मोशन में करंट तो कंट्रीब्यूट करते नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एक बैटरी। बैटरी का प्लस माइनस, तो ये प्लस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा फ्रॉम प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, इसके अंदर तो जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करता है इलेक्ट्रॉन, सबको मालूम है। और कितनी फोर्स से मूव करता है, फोर्स एक्सपीरियंस क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सॉरी फोर्स एक्सपीरियंस इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो फोर्स एक्सपीरियंस विल बी इक्वल टू माइनस चार्ज कितना है ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरी तरफ है तो फोर्स एक्सपीरियंस ऑपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरी तरफ है तो फोर्स एक्सपीरियंस ऑपोजिट है, तो दोनों के डायरेक्शन में क्या फर्क है, माइनस का फर्क है। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अगर मैं ये पूछूं कि एक्सेलरेशन कितनी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज माइनस ई ई डिवाइडेड बाय मास। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। अब क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड सबको सेम मिल रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब पे सेम है, तो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस सभी इलेक्ट्रॉन की सेम है। ये भी क्लियर हो गया? तो एक्सेलरेशन सभी को सेम मिलेगी, इसका मतलब यह पक्की होगी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा और डायरेक्शन सभी इलेक्ट्रॉन की सेम हो गई, अब वो रेंडम मोशन में नहीं रहेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, अब एक आध इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, मेटल या कंडक्टर के अंदर 10^28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मीटर क्यूब में, सिर्फ 10^28 बहुत जीरोस होती हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मीटर क्यूब में, तो सोचो पूरे कंडक्टर में क्या होते होंगे, तो लाखों करोड़ हो गए, तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब जब ये मूव करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर एटम होंगे इसके कंडक्टर के जो पड़े होंगे जिसमें प्लस चार्ज है, जब ये मूव करने की कोशिश करते हैं तो एटम इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाए, पर क्योंकि इनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हुआ है तो ये उसके अंदर जाके बैठते नहीं है, चलते रहते हैं, लेकिन उसी तरीके से बिहेवियर है जैसे एक सीढ़ी है, स्टेयरकेस है, बॉल आपने गिरी, बॉल काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करती है नीचे गिरते हुए, तेज चलती है, पर सीढ़ी को टक्कर मारते ही उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाता है, वो फिर चल पड़ती है नीचे, फिर लॉस हो जाता है, वो फिर चल पड़ती है, फिर लॉस हो जाता है। तो इसी तरीके से एटम के अंदर से क्रॉस करते करते उसको रेजिस्टेंस ऑफर होती है, ऐसे बोल सकते हैं, उसके फ्लो में रुकावट है, स्मूथली फ्लो नहीं कर पा रहा इलेक्ट्रॉन, और वो कोलाइड करता हुआ जाता है इन एटम्स के साथ। तो एटम के साथ जब कोलिजन होती है तो उसका स्मूथ फ्लो नहीं रह पाता, हम बोलते हैं वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस होने का रीजन कोलिजन्स है, टक्कर है। तो अब ये डिपेंड करता है किसी भी मटेरियल में कितने एटम्स हैं, उनकी स्पेसिंग कितनी है, उनमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो मूव करते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि हर वायर की रेजिस्टेंस डिफरेंट है, क्योंकि उनमें क्या एटम का स्ट्रक्चर होगा किसी को मालूम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वायर का डिफरेंट है। बट हाँ, रेजिस्टेंस होने का रीजन बता रहा हूं, रेजिस्टेंस होने का रीजन कोलिजन्स है, जितनी ज्यादा टक्कर होती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, आपस में भी हो जाती है और मेनली तो एटम के साथ होती जाती है, उतनी ज्यादा बोला जाता है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जब उसकी टक्कर होती है उसकी अच्छी वाली काइनेटिक एनर्जी खराब हो जाती है, वो खराब नहीं होती, वो कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और आप देखते हैं जब करंट ट्रेवल करता है तो बहुत देर के बाद तार गर्म हो जाती है, कई बार तो सड़ भी जाती है, इतनी हीट जनरेट हो जाती है, तो वायर्स गर्म हो जाती हैं, हीटिंग इफेक्ट होने का रीजन इज कोलिजन्स। तो रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है
कि एक वायर है, स्मूथ फ्लो है, फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल जरूर है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होने वाली हैं जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेगी, और जितनी ज़्यादा टक्करें होंगी उतनी ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। पॉइंट क्लियर क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है, यहाँ तक तो रेजिस्टेंस होने का रीज़न बता दिया। अब क्योंकि हमने बैटरी अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रॉन चल पड़े एक तरफ, अब प्रॉब्लम यह है कि एक इलेक्ट्रॉन चल पड़ा, उसकी टक्कर कब दूसरे पार्टिकल के साथ हो जाए ये किसी को पता नहीं है। क्या पता जल्दी हो जाए, क्या पता लेट हो जाए, कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम ले रहा है नेक्स्ट कोलिजन के लिए और कोई कम ले रहा है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो मान लो थोड़ी देर के बाद, मान लो टी वन टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी इनिशियल यू थी, एक्सेलेरेशन ए है, टी वन टाइम के बाद, टी वन वो टाइम है जब उसकी टक्कर हो जाती है। अब हर किसी की टक्कर सेम टाइम पे हो ये ज़रूरी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन चला उसके रास्ते में एटम पहले आ गया, उसकी टक्कर पहले हो गई, किसी की लेट हो गई, किसी की पहले हो गई, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सबके बराबर टाइम में टक्कर होगी। तो जब तक उसकी टक्कर, जब वो चलता है और उसकी कोलिजन हो जाती है, उस दौरान उसका टाइम टेकन टी वन है, फिर वो दोबारा चल पड़ेगा, वही सीढ़ी की तरह बॉल गिरती है एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में, फिर दोबारा चल पड़ती है। तो एक टक्कर का मतलब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में गिरना, तो एक कोलिजन का मतलब कि उसने वी वन वेलोसिटी एक्वायर की जब उसकी टक्कर हो जाती है, तो सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यू प्लस ए इंटू, ये यू वन है, ये यू टू प्लस ए इंटू टी टू, क्योंकि हर का टक्कर होने का टाइम डिफरेंट है, हम प्रिडिक्ट थोड़ा कर सकते इतने लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबका सेम नहीं होगा, तो सबकी मूव करने की वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। इसीलिए हर कोई इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करता, हर कोई इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करता है, लेकिन हम 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन का हिसाब तो नहीं रख सकते कि किसकी वेलोसिटी क्या होगी, मेरे को क्या मालूम। तो इतने सारे मास के साथ हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हम फाइनली उन सब का क्या कर देंगे, एवरेज ले लेंगे, और हम ये मानेंगे कि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। हम इस डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे कि हर की वेलोसिटी सच में डिफरेंट होती है, वेलोसिटी रियलिटी में डिफरेंट होती है, पर हम इतनी माइन्यूट कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे। तो इसकी जगह हम ये मानते हैं कि सबकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो वो एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट इसलिए क्योंकि वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन में आ जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वो ड्रिफ्ट करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी निकालो और उनका एवरेज निकाल दो, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। तो जितनी कैलकुलेशंस होती हैं हमारे फिजिक्स में वो ड्रिफ्ट के साथ होती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल वेलोसिटीज को हम निकाल नहीं पाएंगे। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन के लिए आपको बुकलेट रेफर करना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी का प्रूफ है, तो प्लीज आप बुकलेट को ओपन कर सकते हो। देखो, तो ये कंडक्टर है और
हम ये मानते हैं इस कंडक्टर में a1, a2, a3 अप टू an वेक्टर एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सेम वैल्यू अटेन करते हैं। तो a1 a2 लिखा हुआ है लेकिन एंड में मैं लिखने वाला हूं a1 वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर इज इक्वल टू a3 वेक्टर इज इक्वल टू an वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, क्योंकि a वेक्टर सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा, हमने पहले डिस्कस किया। T1, T2, T3 टाइम है कि पहले इलेक्ट्रॉन की टक्कर T1 में होती है, tau1 लिखते हैं इसे, सेकंड को T2, थर्ड में T3 एंड सो ऑन। तो एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन तक का टाइम T1 है, T2 है पहले, और यह वेक्टर लगा लो प्लीज, V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, V3 वेक्टर, VN वेक्टर, वेक्टर लगाओ इसके ऊपर, करेक्शन है, वेक्टर लगाओ V1 वेक्टर, V2 अप टू VN वेक्टर फाइनल वेलोसिटीज है सभी इलेक्ट्रॉन्स की। तो कब? जब उनकी कोलिजन होती है, क्योंकि कोलिजन के बाद वो फिर अपनी जर्नी फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्टिकल के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए V1 वेक्टर इज U प्लस AT, सेकेंड के लिए V इज U प्लस AT, आखिरी के लिए V इज U प्लस AT। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इन सभी वेलोसिटीज का एवरेज। तो V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर प्लस V3 वेक्टर अप टू VN वेक्टर का एवरेज लेंगे डिवाइडेड बाय N, तो ये क्या वेलोसिटी आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि इसके इक्वल आएगी। V1 वेक्टर की जगह पुट कर लेते हैं U प्लस AT, V2 की जगह U प्लस AT, VN की जगह U प्लस AT, फिर काम करते हैं U1, U2, U3 अपॉन N को एक तरफ, बाकी A एक्सेलरेशन A1, A2, A3 तो बराबर ही है, तो A करके A कॉमन आ गया, तो ये टर्म आ गई। इस पे प्लीज वेक्टर लगा लो, U1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर और A वेक्टर, A के ऊपर भी वेक्टर और U1, U2, U3 के ऊपर भी वेक्टर, वेक्टर लगा लो, करेक्शन कर लो प्लीज, ये सब वेक्टर में है, ठीक। बुकलेट साथ लेके आनी है आप, क्योंकि अब आधा काम उसी से चलेगा। तो इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि शुरू में इलेक्ट्रॉन सब रेंडम मोशन में है, रेंडम मोशन का मतलब U1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर का वेक्टर सम, वेक्टर लगा लेना, जीरो आएगा, क्योंकि आधी वेलोसिटी पॉजिटिव है आधी नेगेटिव है, तो आपस में कैंसिल होके मानते हैं कि इनिशियली वो रेस्ट पे ही है, और एक्सेलरेशन को ए लिख लेते हैं, और लिख लेना A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर, ये वेक्टर कर लेना सारे, ये वेक्टर्स है, तो सभी एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू सेम है इसमें, और ये मैंने लिख दिया, यहां भी करेक्शन कर लेना, U1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर का सम, वेक्टर लगा लेना, सम क्या है इसमें, जीरो, ठीक। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये जो टर्म है वो क्या है, यू है, ये टर्म U है, और ये जो एक्सेलरेशन और ये टर्म है, तो इसके अंदर VD वेक्टर कर लेना, इसे A वेक्टर कर लेना, VD वेक्टर इज A वेक्टर प्लस सॉरी इनटू, अब देखो हर इलेक्ट्रॉन के टाइम कौन कैलकुलेट करेगा टक्कर के कोलिजन के, तो एक कोलिजन T1 में हो रही है, दूसरी T2 में, ऐसे पता नहीं कितने होंगे, तो इसकी जगह भी एवरेज करो, इसकी जगह एक टाइम लो कितना टाउ, ये T, तो VD वेक्टर इज A वेक्टर इनटू T, टी को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन इसलिए क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को टक्कर मारता है पार्टिकल को, तो उसकी स्पीड एकदम खत्म हो जाती है और फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं रिलैक्स कर रहा है, फिर शुरू करेगा जर्नी, तो एवरेज टाइम, एवरेज कोलिजन का टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वन एंड द सेम थिंग। और एक्सेलरेशन वेक्टर मैंने बोर्ड पर लिख के दिखाया था, अभी मिटा दिया, माइनस QE बाय M माइनस EE वेक्टर बाय M, तो ये एक्सप्रेशन बॉक्स में डाल लो, इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के अंदर और बोर्ड्स के अंदर हमेशा आता है, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप ये प्रूव करके आएंगे जब आपके स्कूल्स में आएगा, क्लियर है यहां तक? देखो हैंड रिटन शीट पे आ जाओ, तो
हैंड रिटन शीट में आप चेक कर सकते हो, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट हमने ये प्रूव कर लिया। ये एक्सप्रेशन में ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, मास का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ का मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो जब आप तैयारी करोगे न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव की तो फॉर्मूला यहाँ से देख लेना, मैं लिख के लाऊंगा फॉर्मूलाज और प्रूफ एनसीईआरटी का बुकलेट में से कर लेना। तो कॉम्पिटिशन के टाइम आपको फॉर्मूलाज चाहिए होंगे, प्रूफ तो क्या ही करेंगे, प्रूफ के लिए रेफर बुकलेट चलेगी। नोट है, मेटल के अंदर 10^28 मीटर क्यूब ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। एट रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव एट अबाउट 10^5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करते हैं रेंडमली। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम 10^-14 सेकेंड है। सोचो कितना, एक इलेक्ट्रॉन की टक्कर पार्टिकल से कितनी जल्दी हो जाती है, 0.0 देखो आ रहे हैं, फ्रैक्शन भी क्या बोलूंगा, पता नहीं कितनी तो टक्कर ही खाता रहता है मुझे लगता है। देखो ये तो इतना छोटा टाइम है, तो एक सेकेंड में कितने टाइम्स हो जाएंगी, तभी तो वायर गर्म हो जाती है। और रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिक करंट एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर आप एक मेटल लेके आते हो, कॉपर या एल्यूमिनियम या कुछ भी, तो उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टक्कर होने का टाइम कॉन्स्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन मटीरियल। कॉपर के लिए कॉन्स्टेंट है, पर एल्यूमिनियम के लिए चेंज हो सकता है क्योंकि उसके एटम का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और कॉपर का डिफरेंट है। बट ये भी याद रखना, लिख लेना इसके बाद एक पॉइंट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब भी किसी भी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उनकी टक्कर जल्दी होगी कि लेट होगी, जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा टक्कर होगी क्योंकि वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे, तेज तेज भागेंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस, टक्कर जल्दी होगी का मतलब टाइम क्या होगा, डिक्रीज, टाइम डिक्रीज हो जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। तो ये फैक्ट है, टेम्परेचर बढ़ने से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वैसे कॉन्स्टेंट रहता है फॉर अ गिवन टेम्परेचर। लिख लेना आखिरी पॉइंट इसके नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ध्यान आगे। अब रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, फिर से बुकलेट पे चलते हैं और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन लिखी हुई है, शॉर्टेस्ट टाइम फॉर विच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स, उसके बाद टक्कर हो जानी है उसकी, तो कम से कम टाइम जिसके लिए वो एक्सेलरेट करेगा बिफोर इट अंडरगोज अ कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन विद अ कंडक्टर इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है यहां तक? तो डेफिनेशन सही लिखी हुई है कि जब उसकी कोलिजन हो जाएगी उसे पहले पहले का टाइम क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ऐसी डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बुकलेट में, दिस इज स्लो एंड स्टेडी वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर, एवरेज वेलोसिटी है, इन अ डायरेक्शन ओ डबल पी करो ऑपोजिट, गलती से ओ डबल एफ हो गया, ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ डबल पी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में करेक्शन करो यहां पर ऑपोजिट करो। ठीक, तो रिलेशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। रिलेशन निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, डायग्राम इसका वही रहेगा कि सपोज ये कंडक्टर है, सपोज ये बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, और सपोज ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल। ठीक, अब एक चीज का आंसर दो और इसके अंदर ये भी नोट कर लो, ये जो एरिया है ये वाला, ये जो एरिया, दिस एरिया इज ए, एरिया इज ए। तो देखो इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, बोलो, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ, राइट। मान लो एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं ये पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, तो एन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, टोटल वॉल्यूम, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एन का मतलब क्या है, एरिया इंटू एल इंटू कितना, वॉल्यूम। लेकिन मुझे पता है कि ये लेंथ अगर एल है और वी डी वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट है और टी टाइम लेता है एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने में, और वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम कांस्टेंट वेलोसिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं एस इज इक्वल टू वी टी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं अप्लाई करना, वेलोसिटी ड्रिफ्ट कांस्टेंट है तो एस इज इक्वल टू वी टी। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन एल विद अ वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट इंटू टी। क्लियर है यहां तक? तो आप इस एल की जगह पुट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू ए, एल की जगह पुट करेंगे वी डी इंटू टी, और वॉल्यूम की जगह इसमें, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मैंने उल्टा लिख दिया, इसमें एन इंटू वॉल्यूम लिखना, मैं चेंज कर रहा हूँ एक मिनट, ये लाइन चेंज कर रहा हूँ एक मिनट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या था, एन इंटू वॉल्यूम, एन इंटू वॉल्यूम इज ए इंटू एल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा एन इंटू ए, और स्मॉल एल की जगह क्या, वी डी इंटू टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये बताओ कि टोटल चार्ज क्या होगा, चार्ज चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी आए उनको किससे मल्टीप्लाई करना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल चार्ज। तो इसमें q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन ए वी डी टी ई, और फाइनली चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे एन ए वी डी ई, और चार्ज बाय टाइम क्या होता है, करंट एन ए वी डी ई, तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हो गया आई बाय एन ए ई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आई बाय एन ए ई।
क्लियर है यहाँ तक? बुकलेट में ऐसे लिखा हुआ है सेम। सबसे पहले एल इज द लेंथ, एल की जगह वी डी इंटू टी, वॉल्यूम की जगह ए इंटू एल, एल की जगह वी डी इंटू टी, वॉल्यूम आ गया। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल वॉल्यूम इंटू ई, टाइम को नीचे ले आए, ये आई बन गया, वी डी इक्वल टू आई बाई एन ए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट का ये फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक? किसमें? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, क्योंकि ड्रिफ्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है ना, तो एस इज इक्वल टू वी टी कर सकते हैं। अब अगर तो एनसीईआरटी के बोर्ड के पेपर में आता है डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर तो करेंगे पिछला एक्सप्रेशन। और अगर आता है डराइव एन एक्सप्रेशन गिविंग रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट वी डी और आई, तो वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ए, ठीक है यहाँ तक? और एक क्वेश्चन और आता है कि वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 5 से 10 की पावर माइनस 6 की फॉर्म में होती है, विच इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटी है ये। मतलब जब इलेक्ट्रॉन बैटरी से कनेक्ट हो जाता है कंडक्टर और बैटरी ऑन हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं उनकी स्पीड सोचो, जब करंट दौड़ रहा होगा वायर में उनकी स्पीड ये होती है 10 की पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। इससे तेज तो टॉर्टवाइज कछुआ भी चल जाएगा, ये उससे भी स्लो है, दुनिया के वन ऑफ द सबसे स्लोएस्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। देखो 10 की पावर माइनस 5 का मतलब 0.00001 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलता है जब करंट चल रहा होता है वायर में। तो क्वेश्चन है इसकी स्पीड तो ना के बराबर है, तो फिर इतना सारा करंट कैसे जनरेट हो जाता है? क्योंकि नहीं, और कुछ रीजन नहीं, वो बहुत ज्यादा है छोटे छोटे, लेकिन आंसर ऐसे लिखना है, उनकी क्वांटिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। नहीं, आपको अगर ये लिखोगे तो नंबर शायद नहीं मिलेंगे ना, आपको ऐसे लिखना है कि गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया को वो जब क्रॉस करते हैं तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, नंबर बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा करंट भी अगर जनरेट कर गए तो बहुत सारे नंबर ऑफ चार्ज या बहुत सारा चार्ज इसको क्रॉस कर जाएगा, तो करंट की वैल्यू एकदम बढ़ जाएगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? फिर से हैंड रिटन शीट पे आ सकते हो और चेक करो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट क्या आ गया? आई बाय एन ए, या फिर करंट बाय एरिया क्या होता है? जे, और जे इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू वी डी, और यहां पर वेक्टर लगा सकते हो। तो यहां तक भी क्लियर है? नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ